तो किसी दूसरे आदमी की परछाई मैंने अपनी पत्नी के बहुत नजदीक देखा। वो आदमी कौन था मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब घर में नहीं होता था उस वक्त एक लड़का मेरे घर अक्सर आता था। ये बात पड़ोसियों से मैं कई बार सुन चुका था। और फिर अचानक एक दिन जब मैं घर लौटा औलाद को अनाथ आश्रम में भेजने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूं। उस अनाथ आश्रम में मैं एक अमेरिकन डॉक्टर से मिला। उसने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारे गूंगे बेटे को बोलने की शक्ति वापस मिल सकती है, लेकिन लेकिन क्या उसके लिए 20,000 रुपए की जरूरत है? क्या क्या तुम्हारे पास कुछ? मेरे पास जो कुछ रकम थी पुराने कर्ज से चुका दिए। मेरे हालात तो रेत की कमजोर दीवार की तरह है, लेकिन ऑपरेशन के लिए तो रकम चाहिए। इसके लिए कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। मेरे मासूम बेटे को जमान आ जाए, मरने से पहले उसके ऑपरेशन के रुपए का इंतजाम कर दूं, ये सोचकर मैं जल्द से फरार हूं। इत्तेफाक से तुम्हारे अंकल से मुलाकात हो गई और मैंने तुम्हारे पति होने का नाटक मंजूर कर दिया। लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था राधा, मुझे माफ कर दो। विजय, विजय,